जितेंद्र यानी की तस्वीरों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुरक्षा के लिहाज से एक सेफ पैसेज बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आशीष मिश्र को आगे ले जाया जा सके, मेडिकल करवाया जा सके या पेशी के लिए एक सेफ पैसेज की कोशिश हो रही है वहां पर, इसलिए दे रही है। बिल्कुल करुणा, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तन्वी जरा दिखाएं पूरा या नज़ारा दिखाएं। बीच में ये गाड़ी है जिससे ले जाया जाएगा, उसको पूरी तरीके से घेरा हुआ है पुलिस ने, साथ ही रस्सी बांधी गई है कि जिससे वो अंदर से जब निकलेंगे तो सीधा उनको जो है इस गाड़ी में, और यही दरवाज़ा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही दरवाज़ा है, यहीं से उन्हें बिठाया जाएगा इस सीट पर और यहाँ से ले जाया जाएगा ग्राम के दफ्तर से, ताकि उनका जो है मेडिकल कराया जा सके और उनकी जो है उनकी रिमांड मांगी जा सके, कोर्ट में पेश किया जा सके। लेकिन पुलिस की कोशिश यही है, क्योंकि उनके खिलाफ काफी आक्रोश भी देखने को मिला था, तो ऐसे में कोई जो है इस बीच आकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए, इसको लेकर पुलिस के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं, तमाम बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही ये देखा जा रहा है कि कोई उनको नजदीक तक पहुंच ना पाए, तो यहां पर तमाम इंतजाम जो है करुणा हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या वहां पर, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है, क्या कुछ और भी लोगों की मौजूदगी है क्या वहां पर? बिल्कुल करुणा, मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर यहाँ पर सिर्फ पुलिस और मीडिया ही है। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये पुलिस लाइन का इलाका है, काफ़ी यहाँ बैरक्स हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, तमाम कर्मी रहते हैं और ये रास्ता जो है आम लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं आने जाने के लिए, तो ऐसे में पुलिस जो है कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोई यहाँ पर आके किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे, तो उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो, और एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे आगे की तस्वीरें, अधिकारी जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इनको यहाँ से ले जाया जाए और किस तरह से उनको आगे मेडिकल हो, क्या उनको रात में ही कोर्ट में पेश किया जाए या कल सुबह 11 बजे तक का समय मिला हुआ है, या फिर आपको करुणा एक और बात बताएं, जो अरेस्ट मेमो होता है उसमें गिरफ्तारी का समय देना होता है और उसके अनुसार 24 घंटे का समय मिलता है, तो ये भी देखना होगा कि जो अरेस्ट मेमो है उसमें समय क्या दिया गया है। लेकिन जो पूछताछ के लिए आशीष से इंटरोगेशन के अंदर की खबर आपको बता रहे हैं, आशीष लगातार एसआईटी को बरगलाते रहे, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। कार के ड्राइवर की शर्ट के सवाल पर आशीष फंस गए, ड्राइवर के शर्ट के सवाल पर आशीष ने जवाब बदला, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। और हमारे एक और संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर को लेकर जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात आप बता रहे जितेंद्र, पूरी जानकारी दे दीजिए, कहां कहां पर आशीष फंसते हुए नजर आ रहे थे या फिर कहां उनके जवाबों में क्या ऐसा था, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी ने तकरीबन 12 घंटे आज आशीष से पूछताछ की और आशीष से पूछताछ के दौरान लगातार एसआईटी को ऐसा आभास हो रहा था कि वो उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान एक सवाल उससे पूछा गया कि जो कार गाड़ी का ड्राइवर था वो उसने कौन से कलर का शर्ट पहना हुआ था, वो कौन था, तो उस पर जो आशीष मिश्रा अलियास मोनू हो उन्होंने ऐसी जानकारी दी, उसने ऐसा बोला कि हरिओम को मार दिया गया, जो कि ड्राइवर था उसने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जबकि जो वीडियो आपने भी देखा होगा जो थार गाड़ी का ड्राइवर जो उतरकर भाग रहा है वहां से, उसने व्हाइट कलर का कुछ ऊपर पहना हुआ था, वो पीले रंग का नहीं था। इसी वीडियो को दिखाकर जब उनसे फिर सवाल किए गए तो यहीं पर आशीष पूरे तरीके से फंस गए और उसके बाद उनके अरेस्टिंग मुमकिन हो गई। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र ये अहम जानकारी आपका देने के लिए। और जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ सीधे लखीमपुर से ही जुड़े हुए थे, क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर से ही, जहां पर इस वक्त जहां से ले जाने की कोशिश हो रही है मेडिकल के लिए। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।